लख लख आले दू दू लख आले सरकार दे कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल करांगे। कहिंदे की हो गया जी? ओह कहिंदे साडे नाल दा रिश्वत लैंदा फड़ लिया सारी हड़ताल है। कलम छोड़ हड़ताल। वो मैं क्या परमात्मा ने कलम दिती है, शुक्राना करो दा, उन्हें कलम दिती है। थोड़ी कलम नाल लोकां दे चुल्ले बलने चाहिए ने। ते तुसी कलम छोड़ हड़ताल करके लोकां नूं तंग करोगे? मैं क्या करियो फिर, हड़ताल कर लो। अज ही बयान दिता, मैं अज ही ऑर्डर दिता, हड़ताल कर लो, कलम छोड़ हड़ताल। हाँ, ओ तो बाद ओ कलम तुसी ते छड़ दोगे, ओ तो बाद ओ कलम किनू देनी है, ये फैसला सरकार करूगी। हद है यार, लख लख डेढ़ डेढ़ लख तनखा लेने रोज हड़ताल, आज यूनियन ये हड़ताल। सरकारी कर्मचारी हो, सरकार की नौकरी कर रहे हो, कोई मंग है, कोई जायज है, कुछ कोई निजी है, कुछ जायज मंग दसो ना जी। कलम छोड़ हड़ताल, उसे की होगा? लोग तंग होंगे, लोग तंग होंगे, फिर भगवंत मान को पंगा पड़ेगा। अच्छा, फिर भगवंत मान को पंगा पाने वास्ते लोगों तंग करोगे? फिर पहली मैं क्यों ना कह दूं उन्होंने कि भाई आयो ना फिर कलम तो बाद, एक बार कलम छड़ के दिखाओ तुम। फिर कलम छोड़ हड़ताल, वो साडे कोले लखां बेरोजगार मुंडे कुड़ियां तुहाडे नालों वध पढ़े लिखे बैठे ने, जिहड़े उस कलम नूं फड़न लई तैयार ने। तुसी शुक्र करो तुहानूं कलम मिली होई है यार। कलम छोड़ हड़ताल इस तरह नहीं चलू। शायद मैनूं समझदे होणगे नवें आए ने इह जां नवां इह, मैनूं सब पता है, मैं कोई नवां नहीं। मेरी कल्ली कल्ली गल ते मेरी बाज अख है मेरी कि कौन किथे लोकां नूं तंग कर रहा है। जिहड़ा खजाने का पैसा खाऊगा, जिहड़ा पंजाब दे खजाने का पैसा खा चुक्या है, जां जिहड़ा लोकां ने सहूलतां दे विच टंग अड़ाऊगा, कोई उन्होंने उहदे वास्ते कोई मेरे कोले हमदर्दी नहीं हैगी। मेरे कोले हमदर्दी लेके ना वे उहदे सख्त एक्शन होऊगा जी। अगे दी अखे कलम छोड़ वाले ने, अगे दी अगे बंदे रखे हुए ने, आप जांदे ही नहीं उत्थे, होर बंदा रख्या होया 10,000 ते रख्या बंदा, क्योंकि आप इन्नी लैंदा, आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग दा कम करदा है। मेरे कोले सारियां लिस्टां पईयां ने, मैनूं बस मैं इन्हां नूं कह देना चाहुंदा कृपा कर, आही चलूगी हुण रखड़ी। तां मैनूं लगदा हुण चलाउणी ने इन्हां ने, मीडिया वाले ने, आही चलू। भगवंत मान ने दित्ती सिद्धी धमकी, कोई गल जे धमकी मननी है धमकी मन लो, मैं पंजाब दे लोकां दे हक च खड़ूंगा। गल नहीं बात नहीं, तीजे दिन दरी बिछा के बह जांदे उत्थे, कम करके राजी ही नहीं कोई यार। जे 7:30 बजे मैं टाइम कीता ਤਾਂ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕੰਮ ਇਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਸ।